कहते हैं कि सुमत के साबुर सृजन धाई कुमत मैल को डारो खोई, जिन गुदरी का किया बिचारा तिनको मिला सृजन हारा। कहते हैं कबीर साहब की जिस जिस ने इस गुदरी का ठीक ठीक विचार कर लिया, ठीक ठीक इस विचार को देख लिया, इस गुदड़ी को, शरीर रूपी की गुदड़ी को देख लिया, उसको सृजन हारा। सृजन यानी इसको बनाने वाला, सृजन यानी सृष्टि करने वाला, सृजन यानी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जो इसको बनाया है वह तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बनाने वाला इसी में स्वयं छिप गया है। जो घर बनाया है यह गुदड़ी, इस गुदड़ी के अंदर स्वयं छिपा हुआ है। हृदय देश तिष्ठ अर्जुना, इसके अंदर स्वयं वह छिप गया है। और जैसे ही तुम इस गुदड़ी के बारे में ठीक ठीक जान जाएगा, वह जो है सृजनहारा, वह परम पुरुष, वह परमात्मा तुमसे भाग नहीं पाएगा। जो उसको जानता है वही वह हो जाता है, और तुम जैसे ही उसको देखेगा तुम भी वह परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। इसलिए जिन गुदरी का किया बिचारा तिनको मिला सृजन हारा, यह जो सृष्टि करने वाले और कहीं नहीं है, तुम ही हो। धीरज धीरज ध्वनि ध्यान करु आसन, यत की कूपिन सत्य सिंहासन। आगे इसका फर्मूला तो बता देते हैं कि यह कैसे मिलेगा। कहते हैं कि धीरज रखो, पहला धीरज ध्वनि ध्यान करु आसन, कहता है कि तुम लोग धैर्य खो देता है। अभी कहीं से फोन आया कि तुम्हारे लड़का का कुछ गड़बड़ हो गया, फलाना जगह फलाना लड़का ने पीट दिया, तो धैर्य खो देगा। वहीं से फलाना जगह पुलिस में 100 नंबर फोन करेगा, पकड़ो मारो पीटो, 2 मिनट में धैर्य खो देता है। है ना जी शर्मा, मिलिट्री मैन भी है, मिलिट्री मैन और जल्दी धैर्य खोता है। बहुत धैर्य कहते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ पे धैर्य की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, धैर्य मत खो। धीरज धर्म और मित्र नारी आपतकाल परिचय चारी। तुलसीदास भी कहते हैं कि यह जो है आपतकाल में धैर्य की बहुत जरूरत होती है। कहीं से फोन आया नहीं, आजकल तो इतना आफत आ गया है कि हिमालय पर गया है ध्यान धारणा करने के लिए, और वहाँ पर उसकी टनटन बजते रहता है, 2 मिनट में उदास हो जाता है। दोनों हम कहीं कहें रे क्यों अभी उदास हो गया, कहे का कहें गुरुजी पत्नी ने हमको फ़ोन किया कि हिमालय पर बैठा है, तो आओ तो बताते हैं, मारेंगे दूथा पर तुमको। तो अब हमको तो ध्यान दिखाई पड़ रहा है कि अब उसका थप्पड़ दिखाई पड़ रहा है। अब तो बताओ, आफत संगे संगे लेकर चल रहा है, क्या जरूरत है मोबाइल लेकर संगे संगे चलना। यहाँ पर बैठा है सुनने के लिए सत्संग, फिर अपना बैठ जाता मोबाइल देखता है किसका है, दूसरे का है तो ऑफ कर देता है, पत्नी का है तो तुरंत उठकर जाएगा, हेलो हम जरा बैठे हैं, वो बैठा हुआ कहीं और, चाहे वह बैठा हुआ कहीं और गांजा शराब पीता होगा। हम देखे हैं कई बार लोगों को कहा कि हम गुरु जी के यहाँ बैठे हैं ना, गुरु जी के यहाँ बैठा है अभी तक रात में, गुरु जी के तो प्रवचन 7-8 बजे खत्म हो जाता है, 10 बजे क्या कर रहा है, पैर दबा रहे हैं उनका, तो बड़ी डर होता है, अब क्या करें। पत्नी यदि नहीं पीते ठीक ठीक तो पति लोग मानेगा भी नहीं। क्या करें। तब धीरज ध्वनि ध्यान करु आसन, यत की कोपिन सत्य सिंहासन। धीरज को धुनि बना लो, धीरज धुनि, धुनि जानता है, ब्रह्मचारी लोग जब चलते हैं तो एक धुनि जलाते हैं, और वह धुनि जला के वहीं पर बैठ जाएंगे, और धुनि को ऐसा आग की धुनि जला लेते हैं, वहीं बैठ जाएंगे ब्रह्मचारी लोग। अभी भी जो है वे श्रीचंद है ना, उदासी संप्रदाय, श्रीचंद जी की उदासी संप्रदाय चलती है, वे लोग श्रीचंद जी धुनी जमा देते थे, उसी पर चाय बनाएंगे, खाना बनाएंगे, खुराक बनाएंगे, सब कुछ उसी पर बनेगा, उसी धुनी के पर रहेंगे। उनका धुनी जल रहा है, समझ जाओ कि उनका ब्रह्मचर्य जल रहा है, उनका धुनी जल रहा है, समझ लो उनका तप जल रहा है, उसमें जो है धुनी जलना उनका एक प्रतीक मान लिया गया है। इसी तरह से कहते हैं धीरज की धुनी जलाओ, क्या लकड़ी का धुनी जला रहे हो, बहुत दिन लकड़ी का धुनी जलाया, अब तो धीरज की धुनी तो जला लो। धीरज की धुनी जब जला लेगा इसमें लकड़ी की जरूरत भी नहीं होगी, बरसात में भींगे की भी नहीं, जहां रहेगा यह धीरज की धुनी जलती रहेगी। और अब जो है आंख नाक क्या बंद कर रहा है ध्यान करने के लिए, ध्यान को ही आसन बना लो, और ध्यान के आसन पर गस कर बैठ जाओ। तुम अभी कहता कि मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, इसका मतलब तुम कहीं और बैठा है, ध्यान के आसन पर बैठा नहीं है, इसी को आसन बना लो। इस असनी की क्या जरूरत है, उसी ध्यान की आसन लगा करके उसे बैठ जाओ, अभी कहाँ भागेगा, कहाँ उड़ कर जाएगा।
धीरज की धुनी ध्यान करु आसन, यत की कोपिन सत्य सिंहासन। कहते हैं कि यत की कोपिन, कहा कि लंगोटी पहनने से काम अब नहीं चलेगा, यत की कोपिन पहनो, लंगोटी जो है उसी की पहनो। और यत की कोपिन सत्य सिंहासन, और जो है इस सिंहासन से काम नहीं चलेगा, सत्य का सिंहासन लगाओ। इस सिंहासन से काम नहीं चलेगा, इस सिंहासन पर जो बैठाया है, बनाया है छत्र सिंहासन, कहा कि सत्य का सिंहासन लगा लो। लेकिन अब हम लोग जो हैं कहते हैं कि वो हमारे पास नहीं है सिंहासन, वो हमारे पास आसन नहीं है, तब क्या करेगा, खूब बढ़िया बढ़िया आसन लेकर बैठ जाता है और खूब बढ़िया बढ़िया सोने का सिंहासन भी लगा लेता है। कहता कि लीजिए बैठ गए, अब जिसका जितना बड़ा सिंहासन उतने बड़ा बाबा, जिसका सिंहासन नहीं तो बाबा भी नहीं। तो इसलिए अब कहते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि सिंहासन किसी काम का नहीं है, धीरज धुनी ध्यान करो आसन। और यत की कोपिन सत्य सिंहासन, जब जत की संयम की नियम की धारणा की कोपिन जब पहन लेता है, तब तुम्हारे ब्रह्मचर्य निखर उठता है और तब तुम्हारा सत्य का सिंहासन अपने आप चमकने लगता है, तब तुम जो है सम्राटों के सम्राट के तरह भी इस पृथ्वी पर विचरण करेगा और सभी जगत जो है तुम्हारी स्तुति करेगा। इसलिए इस तरह का ड्रेस तुम पहन लो, यह कबीर साहब कहते हैं। कहते हैं कि युक्त कमंडल कर गही लीना, प्रेम फावड़ी मुर्शिद चिन्हा। कहते हैं कि कमंडल कब तक लेकर चलेगा, कब तक नारियल का कमंडल लेकर चलेगा, कब तक ये तांबा का सोना का कमंडल लेकर चलेगा। कहते हैं कि इस कमंडल से काम नहीं चलेगा, जुक्ति की कमंडल ले लो। कर गही लीना प्रेम फावड़ी मुर्शिद चिन्हा, कहते हैं कि इस कमंडल से न जुक्ति बनाओ, जुक्ति का कमंडल लो, उस कमंडल में हरदम पानी रहेगा। लेकिन तू युक्ति भूल गया है, जब युक्ति भूल जाएगा तो मुक्ति होगी नहीं, और जब युक्ति भूल जाएगा पानी मिलेगा ही नहीं, तब पिएगा ही नहीं, तो मुक्ति कैसे होगी। इसलिए युक्ति करो युक्त, और यह जब तक से युग युक्त होना नहीं सीखेगा, युग युक्त होना एक कला है, और युग युक्त कैसे होगा यह बताया जाता है, इस कला को सुन लो। जब तक से युग युक्त हो नहीं जाता है, तब तक से यह कितना हो कमंडल लेकर घूम लो पूरे भूमंडल पर। कोई साधु लोग भले ही कुछ दक्षिणा ज़्यादा मिल जाए, लेकिन तुम्हारा बिना उस मुक्ति नहीं हो सकती है। और यह युक्त कमंडल कर गह लेना प्रेम फावड़ी मुर्शिद चिन्हा, कहते हैं कि कब तक से यह फावड़ी से काम चलाएगा, इस कुदाल से काम चलाएगा, यह कुदाल से कब तक कोड़ेगा। अब प्रेम का फावड़ी ले लो, प्रेम का मुर्शिद चिन्हो, प्रेम की फावड़ी जब ले लेगा तब, लेकिन इसकी तुम्हारी उपज ज़्यादा खेत की बढ़ जाएगी, जहाँ जाएगा वह खेत की उजाली उपज ज़्यादा होने लगेगा। फिर भी कहते हैं प्रेम गली अति सा करी तामे दोय न समाए, प्रेम गली अति अत्यंत संकीर्ण है, उसमें कैसे दो को समाएगा, नहीं होगा। कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेह रुचे शीश दे ले जाए, इसे कम में नहीं मिलता है। यह नहीं है कि तुम जाएगा पैसा कमा लिया, आज महीना मिला जाकर के प्रेम खरीद लेगा। हाँ भैया क्या है, तो 100 रुपये का प्रेम दे दो 100 रुपये का प्रेम नहीं, हमको बड़े आदमी हाँ ज़्यादा मिला है, 1000 का प्रेम दे दो, नहीं मिलेगा। फिर कहे चलो आज 10 बीघा खेत लिए हैं, 5 बीघा प्रेम की खेती कर देते हैं, कहाँ कि यह तो नहीं मिलेगा, राजा और प्रजा दोनों को शीश देना पड़ेगा। सुने हैं एक छोटी सी बात कि क्या सुने हैं कि एक फकीर एक जो था प्रेमी और प्रेमिका थे, समझ गया, प्रेमिका कहीं और रहने लगी, प्रेमी कहीं और चले गए। कुछ दिन के बाद वह प्रेमी जब लौटा तो चिल्लाने लगा दरवाजे पर, प्रकाश अंदर लाइट था, खोलो खोलो। अंदर से प्रेमिका बोली कि तुम कौन हो। कहा कि हम फलाना है, पहचानते नहीं हो, रामविलास हैं, पहचानने हैं, रामविलास पहचानते नहीं हो, भूल गई। कहा गई तब सुनते हैं कि वह दीपक भी बुता दी और आवाज़ भी अंदर से आना बंद हो गई। प्रेमी दिन भर चिल्लाते रहा, रात भर चिल्लाते रहा, वह जो है अंदर से कुछ पता ही नहीं चला। फिर वह लौट गया, बरसों बाद फिर जब लौटा, फिर खटखटाया, फिर अंदर से आवाज आई, कौन है। तो ये फिर अब इस बार कहा कि तुम, अभी तक मैं था, रामविलास था, यह मर गया, अब कहा कि तुम कौन, तुम
तो सुनते हैं किवाड़ खुल गया और प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिल गए, एक हो गए। जब तक से तुम कौन है, यह आत्मा ही प्रेमिका है, परमात्मा ही प्रेमी है, दोनों तुम्हारे अंदर है। जब तक से तुम कहते हो कि मैं अलग हूँ, मैं करेगा, वह तुमसे नहीं मिलेगा। जब तुम कह देते हो कि नहीं, अब तक तुम ही हो, यही तत्त्वमसी का उपदेश है, यही उपनिषद का उपदेश है, अब तुम ही बच गया, मैं तो बचा ही नहीं, जब मैं था तब हरि ना, अब हरि है मैं ना, अब समझ गया, यह प्रेमी और प्रेमिका की ही बात है, अब तुम ही हैं, मैं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया है। जैसे ही तुम्हारा यह भान हो जाएगा, ठीक ठीक प्रेम खरीद आ जाएगी तुम्हें, वह अवतरित हो जाएगा, तब केवल वह बचेगा, तुम नहीं बचेगा। जब वह बच जाएगा तब तो मन निर्मल हुआ जैसे गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर, अब तो तुम्हारे पीछे पीछे वह डोलने लगेगा, वह तुमको अब उसको वो नहीं बुलाना है, वह तुम्हारे पीछे पीछे डोलेगा, जरा हमसे बात कर लो, हमको फुर्सत न रहो, अभी फुर्सत रहा, चल बाद में आराम से बात करेंगे। तो अब यह प्रेम गली है, प्रेम जो है यह मस्तों का खेल है, और यह बात जो है चिघड़ों का है। अढ़ाई अक्षर राम में भी है, जो अभी राम रसायन करता है, र अकार म अढ़ाई अक्षर है, और राम के प्रति भी तुम्हारी प्रेम लगन लग जाती है, तो घटता नहीं है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कृष्ण में भी अढ़ाई अक्षर है ना, बड़ा ऋषियों ने सोच कर कहा है अढ़ाई अक्षर प्रेम का, प्रेम कृष्ण में भी अढ़ाई अक्षर है, और कृष्ण की जब लगन लग जाती है तो एक अक्षर जो है राधा हुई, और दोनों के मिलने पर जो प्रेम का रस पैदा होता है वह आधा है, वह कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए हमारे कबीर साहब ने भी कहा है, ऋषियों ने भी कहा है, उसको तीन अक्षर नहीं किया, अढ़ाई अक्षर कहा है, कि हरदम कम ही है, पूरा होगा ही नहीं, चूँकि वासना से तुम उब जाते हो, प्रेम से नहीं उबते हो। जहाँ जहाँ दो आदमी बैठे हों, चुपचाप देखो, पति एक औरत हो एक पुरुष हो, खटपट खटपट शुरू हो जा, तो समझ लेना कि पति पत्नी है, समझ गया। इसमें बताने के नहीं है, जब ढुसम ढुसम शुरू हो जा तो समझ लेना कि यह पति पत्नी है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बनारस के पार्क में गया था, गोदावलिया पार्क में बैठ करके उसकी पत्नी कही कि जरा मुल्ला हाँ फुकचा लाओ, ले आया, कहा कि जरा देखो अब रस मलाई लाओ, तो दो दो प्लेट लाता था, वो दोनों खा जाती थी, इसको नहीं देती थी। फिर कही कि देखो जरा रसगुल्ला लाओ, दो प्लेट फिर ले, वो भी खा गई। फिर कहा कि देखो समोसा मिलता है बढ़िया लाओ, तो कहा कि सब पैसा तो खत्म हो गया। वह उठी और चप्पल निकाल कर दो गाल में दो चप्पल मार दी। मुल्ला गाल चलाते हुए कहा कि तुम रसमलाई खा गई, रसगुल्ला खा गई, समोसा, और हमको चप्पल दे दी। तो कहा बट किस भरोसा शादी किया रे माँ पागल हमसे, जब इतना भी नहीं कर सकता है, चल दे। वहीं पर सुनील तिवारी भी टहल रहे थे, कहे कि अरे मुल्ला कौन थी, वह तुम्हारी पत्नी थी का? कहा गजब आप तिवारी हैं, समझ क्या रखे हैं, आयर गरी कोई औरत में कुछ चप्पल मार देगी का? हम मुल्ला हैं, अभी हम ठीक कर देंगे, कोई अली गली औरत हमको चप्पल मार सकती है? तुम्हारा भी स्टैंडर्ड क्या है सोचने का जरा हमारे प्रति? ऐसा तो आपसे विचार नहीं था कि आप इसे गड़बड़ सोच लीजिएगा मेरे पचेरी, और कोई चप्पल मार सकता है, आप सोच सकते हो? कहा कि नहीं यार, हम जरा गलतफहमी हो गई, हम भी सोचेंगे। तो देखो असल बात यही है, वहाँ प्रेम नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि प्रेम फावड़ी मुर्शिद चिन्ना, फावली कुदाल कोड़ता है, लेकिन यह ऐसा प्रेम का कुदाल है कि वह मुर्शिद को अपने सदगुरु को चिन्ह लेता है, और जब सदगुरु को वह चिन्ह लेता है उसका प्रेम बढ़ते जाता है, तो वह सदगुरु और कुछ करता नहीं है, धीरे 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 कब वह हट जाएगा, कब तुम वह गोविंद के सामने सकार खड़ा हो जाएगा, यह तुम गोविंद, कब तुम गोविंद से एकाकार हो जाएगा, कब तुम्हारे बीच से गुरु हट जाएगा, तुम इसे पता नहीं चल पाएगा, यही सदगुरु करता है, जब तुम्हारी प्रेम अखंड हो जाएगी तब। हरिओम जी, मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट हूँ। हमारे प्रोफेशन के कंसर्निंग हम सब लोगों को एक दिक्कत से गुजरना पड़ता है, वो है वर्क रिलेटिंग स्ट्रेस। इसके कारण ज़्यादातर लोग लीकर कंजम्पशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं,
टू डी स्ट्रेस देमसेल्फ। जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर भी काफ़ी लोग, काफ़ी तकरीबन सभी मेरे फ्रेंड्स कंज्यूम करते हैं। हम अक्सर टेबल पे बैठ के बातें करते हैं अपने फ्री टाइम में कि अगर वो ना कंज्यूम करें तो वो या तो पागल हो जाएं या सुसाइड कमिट कर लें। फिर वो इसके नेगेटिव साइड्स भी बोलते हैं, कहते इसको पीते हैं तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, जिसके कारण फैमिली सर्कमस्टांसेस भी ख़राब होते हैं। सबसे पहले तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि मेडिटेशन क्या है, ये रिलीजन का पार्ट नहीं है, और दूसरा आप डी स्ट्रेस कैसे होते हो। पहले उनको मैंने एक तरीके से शिव कीर्तन या आप जाप बोल लो या सिमरन बोल लो वो करवाया। उसके बाद उनको शांति से बैठाया कि आप शांत अब आँखें बंद करके बैठे रहो, और एनर्जी का फ्लो उनको फील करवाया। ये तकरीबन आधा पौना घंटा चला। उसके बाद उनको इस अवस्था से बाहर निकाला और बोला कि चलो अब हवन करते हैं। अब हवन के लिए उनके जो या आम बंदों के जो दिमाग में मन में होता है कि ये एक रिलीजियस रिचुअल्स हैं जिसका कोई तकरीबन बेस नहीं है, लोगों को कोई बताते नहीं। हमारी किस्मत अच्छी है कि गुरुदेव हमें हर चीज़ के बारे में डेप्थ में समझाते हैं और अनुभव के लिए हमें साधना में बैठाते हैं, जो कि और कहीं नहीं हो रहा। जैसे जैसे मैं उनको ये चीज़ें के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताया, तो उनका हवन के अंदर भी बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जब हवन ख़त्म हुआ तब एवरीबडी वॉज इन अ स्टेट ऑफ अ शॉक। वो सुन थे मगर एक अलग ही तरह की उनके चेहरे पे नूर था, रोशनी थी और एक अलग ही खुशी थी। उनमें से दो तीन ने बोला कि यार तूने तो हमारा कंसेप्ट ही ज़िंदगी के प्रति और धर्म के प्रति चेंज कर दिया। कहते हम तो ये सोचते थे कि धर्म क्या है, एक पखंड है, मगर आप लोग, आपने आज समझाया तब समझ आया कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या करके ये कीमती हीरे जवाहरात हमारे लिए लेके रखे हैं और हम इसको वैसे ही गवा रहे हैं। तो उस रात सारे अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे जब वो मिले तब बहुत प्रसन्न थे, कहते हमने जाके आज हमने दारू भी नहीं पी, अपने बच्चों के साथ टाइम भी बिताया, अपने परिवार को भी टाइम दिया, और कहते सबसे अच्छी बात ये थी कि आगे शाम को अंदर से ही फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती थी कि कुछ चाहिए या कुछ पीने की इच्छा होनी शुरू होती थी। कहते कल बिल्कुल भी नहीं हुई। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के चरणों में ये सीख रहे हैं, और गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस चीज़ के लिए उचित समझा। धन्यवाद।